अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बसाम शाजली और आप देख रहे हैं 19:20। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक अकम्पलिश्ड बिजनेसमैन हैं, वो बहुत सारे पान के खोके चलाते हैं। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। जी कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। आप मतलब मेरा मजाक तो नहीं हो रहा है ना? मेरा मजाक नहीं सर, यहाँ पे बस सर थोड़े पर्सनल सवाल होंगे। नहीं बस मैं चेक कर रहा था, मैं चेक करना था। जी 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 जी, मैं चेक कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे आपकी कहीं से बेइज्जती हो। बस ठीक है, करिए आप सवाल। चले सर, शुरू करते हैं सवाल से। हाँ करिए सर। आप लोगों को पता है कि इम्पोर्टेड सिगरेट स्मगल्ड होती है फिर भी बेचते हैं आप लोग? किस तरह का सवाल कर रहे हो तुम? किस तरह का? ये तो सही सवाल है सर। कोई विशल ब्लॉगर तो नहीं हो तुम? नहीं सर। देखो लेकिन क्योंकि तेरे सवाल ना करो, मैं फंसा हो गया कुछ कुछ मतलब। देखो सर आपको पता है इनकम इन टैक्स जो होता है ना, तुम खुद क्या पीते हो मुझे ये बताओ। मैं क्या? तुम खुद क्या पीते हो? मैं कुछ तो पीते हो ना? जी कुछ तो पीते हो, कुछ नशा करते हो, करते हो ना? इम्पोर्टेड नशा करते हो? नहीं। तो फिर लोकल झूठ कटाई झूठ बोल रहे हो तुम? देखो मैं मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं नहीं सर, मगर मैं पूछना चाह रहा हूँ ना आप लोगों से, अगर आपको पता है कि इम्पोर्टेड सिगरेट जो बेचते हैं, बिल्कुल पता है मुझे, यहाँ पाकिस्तान में वो स्मगल्ड आती है जिसकी वजह से टैक्स मिलता ही नहीं है गवर्नमेंट को। ये देखो ये फिर से तुम वही टेढ़ी बात कर रहे हो। मैं यहाँ से ना सीधे मुंह में तुम्हारे पान की पीठ फेंकूंगा अपने, बिल्कुल सीधे मुंह में जाएगी तुम्हारे। तो और मैं मेरी जो जो मेरी मतलब ये है कि आपको पता है मेरी बात सुनो, मैं जो हूँ ना मेरी इतनी स्ट्रेट आती, बिल्कुल मुस्तकीम पे आती, बिल्कुल मुंह में आएगी। आप लोकल वाली क्यों नहीं बेचते? मेरी मर्जी मैं लोकल हूँ सर। बहुत सारे पान के खोते हैं, खोते तो बहुत हैं पान के, लेकिन खोके भी बहुत सारे हैं। माफ कीजिएगा, बिल्कुल निकल गया। बहुत सारे खोके हैं पाकिस्तान में, जगह जगह खोके हैं। बिल्कुल खोके हैं। आपके पान के खोके कैसे स्पेशल हैं, उनमें क्या खासियत है? क्योंकि हम बनाते हैं न्यूटेला का पान। क्या बात कर रहे हैं? न्यूटेला का पान बनाते हैं। अच्छा, हम ऐसे पान भी बनाते हैं कि आग लगा के खिलाते हैं। सर आप पे आप लोगों पर मैं बोलता हूँ, खोके वाले पान वाले जो हैं जो सिगरेट बेचते हैं, हम अलग हैं उनसे। हम ऐसे थोड़ी हल्के थोड़ी, हम VVIP हैं। ठीक है सर, मगर आप लोगों पर इल्ज़ामात है कि आप लोग जो है ना मौत बेच रहे हैं। हम मौत बेच रहे हैं जी। हम मौत बेच रहे हैं जी। जैसे कि छालिया हो गई, ये सिगरेट हो गई, ये तो सारे भाई ये देखो कैंसरस होते हैं। हम कोई मिकाल छिकाल नहीं है, हम मौत नहीं बेच रहे। सही है, हम तो बेच रहे हैं। अब वो ले रहे हैं, उनकी मर्जी वो ले रहे हैं भाई। मौत तो सभी बेच रहे हैं। अगर देखो गौर से फरमाओ, सब तो नहीं देख रहे। अब देखो मोबाइल फोन आप इस्तेमाल करते हैं, हर दिन इस्तेमाल करते हैं जी, लेकिन इसके पीछे भी एक साइंस है। ठीक है, वो साइंस क्या कहता है? वो बोलता है कि भाई ये जो है ना कान में आपके जाके तबाही मचाता है, ये उसकी क्या बोलते हैं, वो जाके घुसता है कान के अंदर और तबाही मचाता है। सही। तो मौत तो सभी। अब गाड़ी के एक्सीडेंट देखने कितने होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अब सबसे ज़्यादा चीज़ किस पे, मौत किस पे सबसे ज़्यादा होती है? पैसों पे आती है? अब पैसों पर सबसे ज़्यादा मौत आती है तो बैंक ही पैसे बना रहा है, हुकूमत ही पैसे बनाता है, सारे पैसों के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे मारते हैं। तो आपको लगता है कि हुकूमत को जो है रेगुलेट करनी चाहिए ऐसी चीज़ें, ऐसे बिजनेसेस जो हैं वो कम से कम होने चाहिए? नहीं भाई, बिजनेस तो होने चाहिए, जितने हों अच्छे जितने हों अच्छे, मगर भाई जिसकी मर्जी जो करे ना, आपको अगर नहीं खानी मौत तो आप ना खाओ मेरे आके मौत। लेकिन एक बात है, मौत का जो मज़ा है ना वो बिल्कुल A1 है। सर कोई और शोभा या पेशा आपने कभी सोचा करने को? हाँ मैं देखें बचपन में सोचा था एक मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक था। अच्छा, बहुत शौक था एक्टिंग का। सर आप तो कर सकते हैं सब। हाँ मैं कहता रहा था, मैं बचपन में मजाक में करता था। फिर नहीं सर, आप हैंडसम भी हैं काफ़ी। देखें मैं शो कर रहा हूँ आपका, मैं सारा सवाल का जवाब दूंगा, कोई मसला नहीं। मक्खन और चूना कट्ठा कुछ लगाने की जरूरत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मक्खन नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सही। अच्छा, अब मैं करना चाह रहा था लेकिन उसमें बस ये हुआ कि अब मौका भी मिल, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बस देखा कि यार आदत कैसी है इसकी, पान वान खाता है, लाल वाल हर जगह जहाँ जाता है वहाँ पर कट्ठा चूना पहुँच जाता है, तो उन्होंने बोला यार साइड में कर दो। तो बस वो किस्मत थी। चले सर एक वक्फा लेते हैं, कहीं नहीं जाएगा नाज़रीन, अभी आते हैं।
ये शो स्पॉन्सर किया है टिश्यू पेपर ने। टिश्यू पेपर कहीं भी कुछ भी पोछ लो। बड़ा अच्छा किया आपने, हम कलाकार निकले। शुक्रिया, वो स्पॉन्सर है हमारे, रिस्पेक्ट देनी होती है उनको। डन, कमाना तो है, कमाना तो है ना। सर कमाने हैं, कमाना है सर। कंटिन्यू करते हैं, आपके सर बहुत सारे खोके हैं, माशाल्लाह से अच्छा काम चल रहा है। कितने लोग आपके पास काम करते हैं? क्या क्यों क्यों पूछ रहे हैं आप सर? इसलिए पूछ रहा हूँ, क्यों बताऊँ आपको? नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ सर, आप शुरू से ना ये इस तरह के आप ऑडिट कर रहे हैं मेरी। नहीं सर, ऑडिट नहीं कर रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूँ सर। शुरू से तेरे सवाल सर, आप बिजनेस पढ़ा, सिगरेट का पूछा आपने, कोई मर गया था ये तो सिगरेट पी रहा, क्या मसला क्या हुआ? सांस नहीं आ रही आपको? ऐसा नहीं, ज्यादा पान खा लिया? आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं। भाई देख, मैं यहाँ से ना सीधी मुंह में पान की पीक फेंकूंगा, बिल्कुल सीधा, मेरा एम इतना बिल्कुल सीधा है मेरा। देखिए बदतमीजी ना करें, मैंने आपको इसका सही सवाल है, प्लेन सवाल है, मैं इसलिए पूछा सर। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने बदतमीजी की ना मेरे साथ, मैं सीधी पान की पी, मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं तो इनफैक्ट सर यही बोल रहा हूं, और मैंने 1.5 घंटे रखे हुए सर। मैं तो इसलिए पूछ रहा था ये कि आप जो है कम्युनिटी में जॉब्स दे रहे हैं लोगों को। बिल्कुल दे रहे हैं आप तो अच्छा कर रहे हैं। हम अपनी कम्युनिटी, अपने फैमिली को बोलते हैं, पूरी फैमिली जो है हमारी उसमें जॉब है, उसमें ही जॉब देते हैं हम, उसी में हायर करते हैं। तो मतलब सर नेपोटिज्म चल रही है यहाँ पे? आपने मतलब कनेक्शन के तौर पे, पर्ची के तौर पे आपने फैमिली वालों को जॉब दी? मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी, मेरा धंधा मैं ही चल रहा हूँ, मेरी मर्जी मैं कैसे चलाऊँ? तो तुम कौन हो रहे हो? कुल मिला के कितने लोग हैं आपकी? तुम्हें चाहिए तुम दूसरा खोखा खोल लो, और उसमें फिर तुम इक्वालिटी जो भी तुम्हें कुछ करना है ना वो कर लो उसमें। अब मेरी मर्जी, मेरा धंधा। ठीक है सर, मतलब मैं अपनी फैमिली को नहीं हायर करूंगा, कौन को हायर करेगा? सर बहुत लोग हैं, और भी लोग कौन, हैं कौन जो... लोग कौन लोग हायर करेंगे? तुम करोगे हायर? सर अगर जरूरत पड़े तो हम करेंगे, मगर मैं तो क्योंकि आपके तुम्हारे कैसेदार भाई करेंगे? नहीं। तुम्हारे फूफीदार बहन करेंगे? नहीं। फिर कौन करेगा? दूसरे लोग करेंगे। मैं करूंगा ना, मैं करूंगा, मेरी फैमिली में धंधा है, बचपन से चला आ रहा, बचपन से कर रहे हैं हम। चलें ठीक है, मान लिया सर। इसको बोलते हैं लेगेसी। क्या बोलते हैं? लेगेसी। लेगेसी बोलते हैं उनको, लेगेसी बोलते हैं ना। तो मुझे बताइए सर, पाकिस्तान की मईशत कैसे ठीक हो सकती है? मुझे पहले मतलब बताएं, मईशत का है क्या, ये चीज क्या है? सर मईशत होती है, चीज क्या है? अंग्रेजी में उसको एक इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मुझे नहीं, मुझे ना ही इंग्लिश में पता है ना ही उर्दू। सर मईशत होती है कि किस तरह समझाया जाए सर, एक मुल्क है ना, मुल्क सर, उसका मुल्क है ना, मुल्क का पैसा। धंधा धंधा किस तरह किया जाए, ऐसे कि नहीं कि लोग फजूल में आए और फजूल में आपको टोकें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ब्लैक मार्केट है, अच्छी खासी मार्केट है जी, बिल्कुल अच्छी खासी बेताश मार्केट है। बुरी मार्केट है? बिल्कुल अच्छी मार्केट है, अच्छी मार्केट है। ब्लैक मार्केट इसलिए बोलते हैं उसको, पैसे कमाते हैं ना, चलता है, धंधा चलता है, मगर उसका धंधा जो है, उसका टैक्स जो है गवर्नमेंट के पास नहीं जाता ना सर। मसला ये, ब्लैक मार्केट को अगर आप रोक दोगे तो वो ब्लैक ही रहेगी ना। आपको करना है सफेद, तो सफेद रंग लेके आओ। आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो कि बस रोक दिया सब कुछ। अब रोक दोगे तो कैसे, हम कुछ बनाते हैं तो ये कैसे? हम पान और गन्ने के अलावा कुछ बनाते हैं? नहीं सर। फिर लगता तो नहीं, कपड़े नहीं, कॉटन। हाँ बिल्कुल, कॉटन कॉटन भंडार बनाते हैं, उससे कपड़े नहीं बनते, कॉटन बनाते हैं। मसला ही है मेरे भाई, मसला ही है। तो सर आपकी, जब कोई बनेगा नहीं तो कहाँ से आएगा? तो आपकी इंडस्ट्री, आपके लेके चाचाजात भाई मंगवाएंगे क्या? नहीं सर। आपके फूफी जात बहन मंगवाएंगे क्या? नहीं सर, जो लोग हैं काम कर रहे हैं उसको मुझे फजूल के सवाल ना करो। अरे सर मैं आपके, देखे सर आप जो है आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी हमारी कंट्री में, उसकी जीडीपी में। बिल्कुल ठीक है सर, आपके पास खोके हैं, आप, आपके पास फ्रेंचाइज है, आप एबीसीडी भी कर रहे हैं, मैं सब में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, कर रहा हूं। तो मैं बस सिर्फ राय पूछना चाह रहा हूं, मेहनत से कर रहा हूं। बेहतरीन सर, और उसी में मैं वही बोल रहा हूं ना, आपको ब्लैक मार्केट को ब्लैक छोड़ दो। अच्छा तो ब्लैक मार्केट, सर ब्लैक मार्केट में तो तरह तरह की इलीगल चीजें होती हैं, अब उनको कैसे अब सफेद करना? मैंने अभी आपको समझाया कि भाई ये जो लीगल और इलीगल जो आप बोलते हैं ना, जो कानून के होता है और कानून से बाहर होता है, वो कितनी छोटी सी जगह है, वो कितनी इन्नी सी जगह है, वो है ना। आप क्या बोल सकते हैं नशा क्या है, क्या बोल सकते हैं? नशा बुरी चीज़ है। आप भी नशा करते हैं, करते तो हैं आप नशा। ठीक है सर, मान लिया करते हैं। आपकी जहाँ से बदबू आ रही है सिगरेट के मुंह से, आपने कभी कोई इम्पोर्टेड नहीं ली?
जी ली, इसलिए तो पता है मुझे। झूठ मत बोलना मुझे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ ना बोलूंगा। मैं झूठ बिल्कुल नहीं। मैं यहीं से पान की पूछ स्ट्रेट मुंह में फेंकूंगा। स्ट्रेट मुंह में। सही है। मेरा बिल्कुल सीधा मुस्तकीम पर चलता है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जवाब नहीं है इसका कि मैशत कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। सप्लाई होता है जी और डिमांड होता है। बिल्कुल। जहाँ पे वो सेक्स करते हैं ना जी, बस वही जगह होती है। मतलब जब जब वो मीट करते हैं। बिल्कुल। वो मीट करते हैं, वो चुम्मी चाटे जो भी करते हैं, वो अपनी मर्जी में करते हैं। पर्दे के पीछे करें, सबके सामना करें, उनकी मर्जी, उनकी मर्जी। समझ गया। लेकिन अब हमारा काम क्या है? सप्लाई करना है जी। जब लोग मांगेंगे हम करेंगे सप्लाई जी। सही है। सही है। बस इतनी सी बात है। तो इतनी सी बात। मैं समझता हूँ आपका जवाब। मैं नाज़रीन को बता रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें बनाए जिनकी सप्लाई ज़्यादा हो तो उनकी डिमांड फिर बन सकती है। उल्टा बोल रहे हैं। डिमांड है जिस चीज़ों की, अगर वो चीज़ बनाने लगे, अगर वो चीज़ बनाने लगे जी, तो बाहर से मंगवाने ही नहीं पड़े। सही। अब अच्छे से अगर बनाओगे तो बाहर से कौन मंगवाएगा? तो ये तो अदला बदली तो एक ही चीज़ है। मतलब सप्लाई बढ़ गई तो डिमांड हो जाएगी। सिंपल सी फर्क जो है ना, वो पहला बंडा पूछता है बंडी से और बंडी पूछते है बंडा से। ये सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है। मतलब आप दोनों पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन अक्सर कौन पूछता है? उठोलन कौन पूछता है? लड़का। बस फिर आप अगला सवाल पे है ना, आप फॉलो। आपके जवाब में लड़का क्या हुआ? सप्लाई डिमांड? डिमांड नहीं हुआ ना। डिमांड नहीं बोलेगा, मुझे यही चाहिए। अच्छा, डिमांड नहीं हुआ। ठीक है सर। सही। सर आपके खोखो पर सबसे ज़्यादा खोखो गेम होता है। सर अगले सवाल पे आते हैं। करिए अगला सवाल। करिए। अब पहले मिलती थी टॉफी 8 आने की, अब 2 रुपए की मिलती है। भाई देखिए, 8 आने की सिर्फ छाजिया मिलती है। सिर्फ छाजिया बच्चे। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि बच्चे जो हैं, मतलब 2 रुपए की तो ज़्यादा नहीं होगी। अब महंगाई बढ़ गई तो महंगाई बढ़ गई ना। अब मैं क्या करूँ? जब जो चीज़ बिकती है, महंगी बिकती है, वो आती महंगी है। अब हम लोग थोड़ी दाम बढ़ा रहे थे फजूल में। चल सही है। इन्फ्लेशन बोलते हैं, इन्फ्लेशन। जी 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 बिल्कुल। तो सर साल भर में आप कितना टैक्स देते हैं? कैसे बातें कर रहे हो तुम? फजूल फिर से टेढ़ी बातें कर रहे हो। क्यों? सही तो मेरे क्या अकाउंटेंट बैठे हो यहाँ? नहीं, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफिसर हो? नहीं, तो फिर मेरे सर जर्नलिस्ट हूँ सर। मैं पूछना चाह रहा हूँ, जस्ट एज जनरल इन्फॉर्मेशन। ये पूछ लो कि मैंने आप कितना टैक्स कल रात क्या हगा था, क्या निकाला था, मैंने ये पूछ लो सर। ऐसे तो सवाल ऐसे ही बनता है ना। मैं बताया तो मैंने क्या। सीरियस हो जाए ना। मैं सर पूछ रहा था कि आप। मैंने मूली खाई थी। मूली? आप टैक्स देते भी हैं कि नहीं देते? मूली खाई थी। इसका मतलब आप टैक्स नहीं देते? आपको मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप मेरा जवाब चेंज कर रहे हैं। आप मेरा जवाब क्यों चेंज कर रहे हैं? सर सीधा मुंह में फेंकूंगा। आप बता, आप मूली की बात कर रहे हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपके। मैं बता रहा हूँ, आप मुंह में आएगी। अगले सेगमेंट पे चलते हैं। आप मुंह में नहीं, अगले सेगमेंट पे चलते हैं सर। ये अच्छा सा है, थोड़ा मजा आएगा आपको। चलिए मजे लेते हैं। रैपिड फायर राउंड है सर। सर कुछ सवाल पूछूंगा, जो जो मन में आए बस जल्दी से एक लफ्ज में जवाब दे दीजिए। ठीक है सर? जल्दी कर। आपकी एक ख्वाहिश जो कभी पूरी ना हुई हो? मैं कलाकार नहीं बन पाया। अच्छा, क्या करना चाहते थे आप? मैं एक्टिंग करना चाह रहा था। बड़े शौक था अमिताभ जैसी मूवीज करूँ। जो खाई के पान बना रहा है, वो क्या चलता है, वो जब चलता है ना, बस बिकता है उससे। सर सबसे बेकार या नापसंदीदा काम कौन सा किया? सबसे नापसंदीदा काम जो है, मुश्किल सवाल बोल गया। मेरे ख्याल से मैंने जो सबसे टीचिंग की मैंने। अच्छा, टीचिंग की? बहुत मुश्किल काम है। किस चीज़ में? मैंने सिखाया था काफ़ी सारे बच्चों को कि मार्केटिंग कैसे करते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें उनको समझ नहीं आया कुछ, उन्होंने क्लासेस छोड़ दी पहली बार। आपने कहाँ पढ़ाया? मैं अब देखें, फिर से आप वही सवाल कर रहे हैं। अब मैं बताऊँगा प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, मेरे पास नोटिस आ रहा होगा। क्यों? वो बोलेंगे आपने बताया क्यों? नहीं तो सबको। अच्छा, आप किसी को बताएं सर? आप किसी को बताएगा नहीं? अच्छा, नहीं बताऊंगा। कीट में पढ़ाया था। कीट में? कीट में। सही सर। सर छुट्टियां कहाँ मनाने जाते हैं? मैं छुट्टियां मनाने घर जाता हूँ। मेरी जब छुट्टी होती है मैं घर जाता हूँ। अच्छा,
जब आप बच्चे थे तो वैसे तो मुझे इसका जवाब मिल गया, मगर कुछ और भी हो सकता है। जब आप बच्चे थे सर तो आपको क्या बनना था? मुझे बड़े होकर क्या बनना जी सर? मुझे बड़े होकर बाप बनना था। बन गए वो आप? सबका बाप बनना था मुझे, और मैं खोखे में बाप बन गया और मैं असली में बाप बन गया। ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। अब पहला अल्फाज जो आपके दिमाग में आता है? पीक। पिछले हफ्तों में आपने कुछ सीखा होगा, क्या सीखा है? मैंने पिछले हफ्ते में यह सीखा है कि कभी भी छोटे की छोटे को छोड़ के नहीं जाना दुकान पर। क्यों यार? वो अपने मजे से जो करना आता है उसको करने लगता है। वो पान बनाने की कोशिश करता है, पर नहीं, बहुत शौक है उसको पान बनाने का, बहुत शौक है। अच्छा, इतने शौक से बनाता है, इतना कचरा पान बनाता है कि डंडा खराब हो जाता है। सिर्फ जो आप पान बनाते हैं या आप जिनसे पान बनाते हैं, कभी किसी भी खोखे से छोटे का हाथ का पान खाया? पता नहीं, हमें मुझे तो नहीं पता। छोटा कभी नहीं खाया, छोटा होता है ना, पढ़ रहा है दूसरे पास जाते हैं। अच्छा, तो इसमें ट्रेनिंग भी होती है फिर भाई? आपके एक हाथ साफ होना चाहिए, हाथ गंदे होने चाहिए तो साफ होंगे। सही, तो एक मतलब आप कहते हैं कि एक रेसिपी होनी चाहिए, एक मेथड होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जो आपको पता है और आप सिखाते लोगों को। मैं अपनी रेसिपी तो किसी को नहीं सिखाता हूँ, ना हम लोग अबाउट बिजनेस हो जाएंगे। ठीक सर, वो क्या चीज़ है जिसके बगैर आप जी नहीं सकते? वो क्या चीज़ है इसके बगैर जी नहीं सकते? मैं चूने के बगैर नहीं जी सकता। क्या बात कर, जितना चूना मारोगे ना उतना मज़ा आएगा, चूने के बगैर नहीं जी सकता। कौन सा चूना? चूना जो पान में डालते हैं या भाई? हाँ, उसी एक ही चूना होता है, उसको कैसे भी मल लो, चूना तो एक ही है। ठीक सर, अगर आप एक जानवर होते, एक दिन के लिए कोई जानवर होते तो कौन से जानवर होते? अपना मुँह खोलो, अपना मुख खोलो आप तो। क्यों सर? मैं नहीं बोल रहा। क्या हो गया? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, तो मैंने मुझे जानवर बना रहा। नहीं, मैंने मतलब अगर आप कोई यहाँ पे आपका कोई पसंदीदा जानवर है आपका, मैं कोई खेल खेलना है अपना। नहीं जी, मैं बोल रहा हूँ अगर कोई पसंदीदा खेल है और कोई पसंदीदा जानवर है। पसंदीदा जानवर है लेकिन मैं बनना नहीं चाहता। अच्छा, वो कौन सा है? कुत्ता है। ठीक, सबसे पसंदीदा गाली? सबसे पसंदीदा गाली, सबसे पसंदीदा गाली होता है मेरा, मेरे हिसाब से बड़ी मुश्किल सवाल है। कोई भी, मैं कोई माँ बहन की कोई भी गाली दे सकता हूँ। बिल्कुल, खच्चर। ठीक सर, खच्चर। सर आखिरी सवाल, अगर दुनिया में मजहब नहीं होते, बहुत सारे मजहब हैं, और अगर वो नहीं होते तो दुनिया कैसी होती? यार मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सीखा हूँ। आप जितने भी मैंने आपको सीधा साधे जवाब, मसालेदार टेढ़ा सवाल, जितने सवाल आपसे पूछे ना आपने उसका हमेशा टेढ़ा जवाब, सवाल ही मसालेदार कर रहे हो। ऐसे मतलब ऐसे है कि लाल मिर्च क्या हरी मिर्च सब डाली हुई तुमने, और फिर मुझसे पूछ रहे हो, मैं मुझसे पूछ रहा हूँ जवाब नहीं। अच्छा, क्या तुम मुँह खोल रहे, खत्म कर रहे हो? आपको आपको ये सवाल पसंद नहीं आया? तुझे आएगा मजा, मैं बता रहा हूँ, मुँह खोल रहे बस काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। सर इसका जवाब क्या होगा? अगर मजहब नहीं होते तो दुनिया कैसी होती? दुनिया जो है ना वो ऐसी होती जिसमें लोग मुंह भर के पी रहे होते, दूसरे मुंह भर के पी रहे होते। ठीक है सर, शुक्रिया आपका। मैं घर भेज दूंगा, पार्सल पी भेज दूंगा तुम्हें अपने। सही, शुक्रिया आपका। जब जब ये सवाल ना रहने में पी लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले हफ्ते एक और गेस्ट के साथ मिलेंगे। मैं हूँ बसाम शाजली। Allah Hafiz. भाई अगर आप ये शेयर लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर देंगे ना तो आपके नाम का एक न्यूट्रेला का पान है, VIP पान वाले के पास आके ले जाए। ठीक है।